हाँ सर, कहाँ जाएंगे? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम जा रहे हैं आज लेखापाली। तो गाइस, अभी मैं आसाम मेडिकल कॉलेज के पीछे किसी को पिकअप करने आया था अरुणाचल संडे राइड के लिए। मॉर्निंग वॉक हो रही है, तो गाइस, ये है जलान नगर टी एस्टेट। गाइस, मुझे बताना कि आपको ये व्यू कैसा लग रहा है। रोड पे बकरियों का अतिक्रमण, और ये हम पहुँच गए आसाम मेडिकल कॉलेज पीछे से। तक खाली खाली रास्ते पे हम, लेकिन मिलेगा अभी जाम। आज है संडे और सब निकलेंगे अपने घर से बाहर। इस कल यहाँ पे एक्चुअली बारिश हुआ था थोड़ा सा, बट आज बहुत ही बढ़िया मौसम है। हमने पार कर दिया आसाम मेडिकल कॉलेज और जाएंगे हम NH-37 पे, जो कि हमें ले जाएगा बोगीबिल। वो अपना डिब्रूगढ़ पूरा नेचुरल खूबसूरती से भरा हुआ है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है और ये जाएगा NH-37। गाइज, वी आर इन लालुका राइट नाउ। गाइज, हम अभी आ चुके हैं बोगीबिल। यहाँ से होता है बोगीबिल स्टार्ट। आप देख सकते हो पीछे, ये रहा अपना ब्रिज, और पानी भी पूरा भरा हुआ है। मानसून का सीज़न है। अभी हम वापस जाएंगे और फिर बोगीबिल ब्रिज से होते हुए हम लेखापाली की ओर जाएंगे। तब तक के लिए भाई लोग अगर देख रहे हो गवर्नमेंट ऑफिसर, तो देखो यार, इधर रोड बहुत ख़राब हो चुका है। नाइट राइडिंग के लिए तो बिल्कुल ही सेफ नहीं है। बीच में इतने बड़े बड़े पॉट होल हैं, बंदा गाड़ी चलाए या रोड देखे। ये देखो इनको बिना इंडिकेटर के हैं। सो गाइस, और ये रुक जा, कहता था वो ये। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं सिला पत्थर, और ये है सिला पत्थर मार्केट। मेन मार्केट एक्चुअली यही है। काफ़ी रश है यहाँ पे यार, बहुत ज़्यादा रश है। तो गाइस, हमारे कुछ मित्रगण पीछे रह गए हैं, तो उनके लिए ज़रा हम वेट करेंगे और देखेंगे कि कब तक। थर्ड्स का भी सीन चल रहा है, और ये आ गया ब्रेकर, बिन बुलाए ब्रेकर। वेलकम टू लेखापाली। तो गाइस, अभी तक ऑफिशियली हम तो लेखापाली में है नहीं, लेकिन जल्दी पहुंचने ही वाले हैं। गाइस, लुक एट दिस ब्यूटी, जस्ट वाओ 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 वाओ, नो वर्ड्स। ये कंदा रोटी, देख सकते हो ऐसी चीजें जो बता नहीं सकते हैं, जो सिर्फ आके फिर से बैड रोड, और लगता है ये हमारा पीछे नहीं छोड़ेगी।
So construction is going on, and after some days, months or a year, we will get some good roads in this road. Chal bhai chal. Ye hai Arunachal. Welcome to Arunachal. हाँ सर, कहाँ जाएंगे? ये आकाशी गंगा नहीं, कहाँ से है? डिब्रूगढ़ नहीं, पास है, परमिट है, परमिट लगता है तो परमिट तो पीछे कहीं डीसी ऑफिस, आज संडे है तो इसलिए अभी आप लोग जो है ना, हाँ हम लोग भेज देते, लेकिन सबसे बड़ा ऑफिसर आ रहा है ताज रिक्स है, वो मंदिर में जाएगा फिर नहीं तो हम मंदिर में उतना टाइम थोड़ा नहीं नहीं अभी एकदम पहुंचने वाला है, एसपी भी उधर से आ रहा है। अच्छा अच्छा, पूरा सरप्राइज चेक मुझे आप लोग डाल जाएगा जी जी, कभी दूसरा दिन आ जाएगी ना सारा गाड़ी को हम लोग वापस। सर आप लोग को पूजा करने के लिए सिर्फ मंदिर जाने वाले हैं? 5 मिनट के लिए हम लोग तो नहीं भेजेगा, हम लोग रास्ता इतना खराब है, मालिनी मंदिर जाइए पूजा करने के लिए, वही है यहाँ में सीढ़ी, जब 3000 सीढ़ी नीचे है, बहुत स्लिप वाला है, उतरिए आप लोग, मुड़िए मतलब नहीं जा सकते, कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय नहीं है आज के लिए, नहीं तो हम लोग भेज देना था मंदिर घूमना, अभी आज मालिनी माँ का प्रार्थना करके चला जाए, दूसरा दिन आ जाए बाबू, क्या करें क्या करें, जाना तो अब उन्हें लाइसेंस भी नहीं है, लफड़ा लफड़ा हो जाएगा। चलो हुआ थोड़ा घुरा दीजिए, हैंगिंग ब्रिज किधर है? हैंगिंग ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज इधर से रास्ता, यहाँ से ठीक है। पब्लिक भैया, ये हैंगिंग ब्रिज किधर है? इतना एटीट्यूड बोला ही नहीं, पूछा इससे। ये हैंगिंग ब्रिज किधर होगा? हैंगिंग ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज अच्छा, नहीं जा सकते, ये वाला सामने वाला, ठीक है, थैंक यू। यही तो लग रहा है कि आप बाइक ले जाना सही रहेगा, बिल्कुल मैं तो ले आऊंगा वापस। अब किधर? ये क्या कहाँ ब्रिज है? ओह वाओ, कैंप लाने का काम था ना बाबू, है ना? क्या था? मजा में चलना पड़ेगा भाई, निरंजन है। इतनी मेहनत के बाद आखिरकार पहुंची गए।
यहाँ से हमें जाना है, अभी यहाँ से हम जाएंगे। ये पूरा कोई रोड नहीं है, बिल्कुल ऑफ रोडिंग है। सो यहाँ से जाके और फिर हमें हाईवे पे जाना है। तो गाइस होगा ऑफ रोडिंग, प्योर ऑफ रोडिंग। Vamos a bailar.